कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक माइक्रो कंट्रोलर किट रखी है। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर में यूज होने वाला सर्किट है, इसे माइक्रो कंट्रोलर किट कहते हैं। और इसकी किट की बहुत सारी खासियत है, इसे लगाने पर हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल जानकारी होना जरूरी नहीं है, बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये जो किट आप सामने देख रहे हैं ये 90 वोल्ट के वोल्टेज स्टेबिलाईजर के लिए, यानी कि इससे हम तीन रिले ऑपरेट कर सकते हैं, तीन वर्किंग रिले, और चौथी रिले हम इसे टाइमर और हाईकट के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इस किट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज पहले ही बताए हैं, काफी वीडियोज बना चुका हूँ, उन सारे वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियोज देखने हैं वो उसमें काफी अच्छे तरीके से स्टेबिलाईजर में फिट करके, कनेक्शन करके और इसे टेस्टिंग करके दिखाया गया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको काफी आसानी रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसके ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे किए जाएं रिले पर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में वो चीज मिस है कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो किए जाते हैं। और आपको वही बताएंगे कि ये किट अगर हमें 140 वोल्ट के स्टेबिलाईजर में यूज करनी है तो हमें कनेक्शन कैसे करने होंगे, और 90 वोल्ट के या फिर 110 के स्टेबिलाईजर में लगानी होगी तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे, वो सारा डायग्राम बनाकर आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसका ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं रिले पर उसका डायग्राम बनाकर बताइए, तो ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है। तो देखते ही हमारा पूरा वीडियो, तो इस सर्किट के कनेक्शंस एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट्स, 0 24 वोल्ट्स, यानी इसकी इनपुट सप्लाई होगी जो कि हम मेन ट्रांसफार्मर से हमारी सप्लाई आएगी, ब्रेकडाउन जिसे बोलते हैं, 24 वोल्ट की सप्लाई हम यहां पर लगा देंगे एसी सप्लाई। और देखिए इसके बाद में ये लिखा है सीओ, यानी रिले का कॉमन, हम जो तीन या चार रिले इसमें यूज करेंगे उसमें से रिले की कॉइल पर से एक वायर कॉमन होगा, यानी सभी रिले पर कनेक्शन होगा उसका, तो कॉमन वायर यहां पर लगा देंगे। आईपी टू यानी इनपुट टू, यानी अगर हम तीन रिले वाला वोल्टेज स्टेबिलाईजर यूज करेंगे तो उसमें जो बीच वाली हमारी रिले होगी इनपुट टू, उसका कनेक्शन यहां पर आएगा कॉइल का रिले की। आईपी वन यानी जो मेन इनपुट रिले होगी पहली वाली रिले, उसका पॉइंट हमारा कनेक्शन यहां पर जाएगा। ओपी यानी आउटपुट, जो हम आउटपुट रिले बनाएंगे उस रिले का कॉइल का एक वायर यहां पर जाएगा, बाकी तो सबका मैंने आपको बता ही रखा है, कॉमन रहेगा एक वायर। और देखिए लास्ट में जो आउट लिखा हुआ है तो ये हम टाइमर रिले जो हम यूज करेंगे अपनी टाइमर और हाईकट के लिए, उसके रिले की कॉइल का वायर यहां पर आएगा। अगर हम मान लीजिए टाइमर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर टाइमर रिले भी यूज नहीं करेंगे, तो फिर हमें यहां पर इस कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑप्शनल है, चाहे तो यूज करें चाहे तो यूज ना करें। चलिए ये तो बात हुई इस सर्किट के कनेक्शन की, अब आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन रिले पर कैसे किए जाएंगे, तो उसको आपको डायग्राम बनाकर बताते हैं। देखते हैं 90 वोल्ट या फिर 110 के वोल्टेज स्टेबिलाईजर में हम तीन रिले यूज करते हैं, तो देखिए ये तीन रिले हमने बना रखी हैं, तो ये हम बना देते हैं इनपुट, इसे इनपुट वन रिले कह सकते हैं, इनपुट वन हमने लिख दिया यहां पर। ये एक्स्ट्रा रिले, इसे इनपुट टू रिले कहते हैं, इनपुट टू। और उसके बाद में ये आउटपुट रिले, ये हमारी आउटपुट रिले आ गई, ठीक है। तो ये 90 वोल्ट के स्टेबिलाईजर के हिसाब से है। अब हम ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्शन करेंगे, तो ट्रांसफार्मर का पहले बना लेते हैं। देखिए मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये न्यूट्रल, ये पहली लूप, दूसरी लूप, तीसरी लूप, और ये आ गई मेन ट्रांसफार्मर की चौथी लूप। आमतौर पर 90 वोल्ट या फिर 110 के वोल्टेज स्टेबिलाईजर के ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल के अलावा चार लूप होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पहला वायर लेंगे न्यूट्रल के बाद वाला वायर, जो पहला वायर होता है ट्रांसफार्मर का, हम इनपुट लेके ऊपर लेकर जाएंगे। ये देखिए इनपुट लेके यहां पर हमने कनेक्शन कर दिया इसका, और दूसरा जो वायर है ट्रांसफार्मर का वो आउटपुट रिले पर आ गया, सॉरी इनपुट टू पर आ गया, और जो तीसरा वायर है वो हम आउटपुट रिले पर यहां पर कनेक्ट कर लेंगे, और जो चौथा वायर आएगा ट्रांसफार्मर का वो हमारा आउटपुट रिले से लेकर इनपुट टू रिले पर कनेक्ट कर लेंगे। ये इसके कनेक्शंस हो गए, और जो हमारा इनपुट रिले का पोल है, ये देखिए इनपुट रिले का पोल है हमारा, यहां पर हम मेन लाइन का फेस दे देंगे, इनपुट फेस, ठीक है। और आउटपुट रिले के पोल पर से हमारा
आउटपुट का फेस निकल जाएगा। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लीजिए, समझने में आपको आसानी रहेगी। जैसे आपको बता देते हैं, ये हमारा जो पहला वायर है ये एनसी वाला पॉइंट हो गया, और ये हमारा एनओ है, एनसी एनओ एनसी एनओ। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके कनेक्शंस होंगे, और ये सब रिले की कॉइल के कनेक्शन है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सब में से एक वायर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये कॉमन वायर निकल जाएगा सर्किट के लिए, मैंने आपको बताया था। और बाकी ये सेपरेट कनेक्शन है 90 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के हिसाब से, और अगर मान लीजिए हम इसमें 140 वोल्ट के स्टेबलाइजर में से यूज कर रहे हैं, तो उसमें 140 वोल्ट के स्टेबलाइजर में आपकी चार लूप्स नहीं होंगी, उसमें केवल आपकी तीन लूप्स होंगी, यानी एक दो तीन लूप्स होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी इनपुट रिले हमने ये बना रखी है, ये ना बनाकर हम इसे इनपुट रिले बना लेंगे, तो उससे कनेक्शन आपको बताएंगे, उसे कनेक्शन कैसे होंगे। तो चलिए नए से ऐसे समझाते हैं आपको, 40 वोल्ट कनेक्शन समझिए। ये देखिए, मेन ट्रांसफार्मर हमारा हो गया, और न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन वायर हो गए। तो पहला वायर जो आ जाएगा ट्रांसफार्मर का इनपुट रिले के एनसी वाले पॉइंट पर जाएगा, ये देखिए पहला वायर, दूसरा वायर आउटपुट रिले के एनओ वाले पॉइंट पर जाएगा, और जो तीसरा वायर है ट्रांसफार्मर का वो आउटपुट रिले के एनसी और इनपुट रिले के एनओ पर कॉमन हो जाएगा, और इनपुट रिले के पोल पर इनपुट फेस आ जाएगा, आउटपुट रिले के पोल पर से आउटपुट फेस निकल जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन हमारे 140 वोल्ट के स्टेबलाइजर के लिए होगा। किट हमारी सेम रहेगी, उसमें कनेक्शन जो बताया मैंने, ये इनपुट वन पर कनेक्शन होगा और आउटपुट रिले पर कनेक्शन होगा, इनपुट टू का कनेक्शन रिले में, सॉरी, किट में नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स दे रखी हैं जो कि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।